हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है नन्हे मददगार। देखिए, ये बच्चे भी बहुत छोटे हैं और वो कैसे अपने घर में मदद करते हैं, आइए देखते हैं। छुट्टियों के दिन थे। वीना और विनय इधर उधर रंगों के डिब्बे बीच बगीचे में थे। सफेद रंग, लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग, नीला रंग, सभी तरह के रंग थे वहाँ। पुताई वाले अपना काम में लगे थे। उनमें से एक सीढ़ी पर था और दूसरा छत से झूले पर लटक रहा था। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, वीना और विनय ने पूछा। पुताई वाले भैया ने उनके हाथ में ब्रश थमाए। तुम फाटक को अंदर से रंगो, उसने वीना से कहा, और तुम बाहर से, उसने विनय से कहा। वीना और विनय ने रंग के दो डब्बे उठाए और हो गए काम के लिए तैयार। वीना ने फाटक को एक तरफ से रंगना शुरू किया, विनय ने दूसरी तरफ से। कुछ रंग जमीन पर छलका, कुछ रंग दीवार पर गिरा और बहुत सारा उन दोनों पर। आखिरकार काम खत्म हुआ। उन्होंने जमीन पर गिरे रंग को पोछा, उन्होंने दीवार पर गिरे रंग को पोछा और अंत में अपने ऊपर गिरे रंग को भी पोछा। कितना अच्छा है मेरा लाल फाटक, वीना खुश होकर बोली। कितना अच्छा है मेरा हरा फाटक, विनय बोला। ओहो, तुमने तो फाटक को दो रंगों में रंग डाला, पुताई वाले भैया भन्नाया। चलो अब ऐसे ही रहने देते हैं, माँ ने प्यार से बोला और दोनों बच्चे खुश हो गए कि उन्होंने सबकी मदद की है। देखा बच्चों, आपको भी ऐसे ही अपने घर में सबकी मदद करनी चाहिए। कभी भी अपने मम्मी पापा को या किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।